नमस्कार मित्रांनो, आवाज मराठी चॅनल आणि बेल्स करिअरच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं कोरोनामुळे जो आपल्याला त्रास होतोय तो त्रास दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. खरं तर अनेक ठिकाणी शाळा, कॉलेजेस, महाविद्यालय सगळं काही बंद आहे. असं असलं तरी देखील आपल्याला शिक्षण तितकंच महत्वाचं आहे याची जाणीव वेल्स करिअरला आहे जळगावमधल्या. आणि म्हणूनच विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, त्यांचं शिक्षण कुठल्याही प्रकारे खंड पडू नये आणि जसं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलंय वर्क ॲट होम, त्याचप्रमाणे घरी बसून देखील तुम्ही सुलभतेने अभ्यास करू शकता यासाठीचा हा एक चांगला आणि सुंदर उपक्रम आहे. आवाज मराठी चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासह शिक्षकांचं तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन देखील पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. आता मी सध्या जळगावच्या वेल्स करिअर मध्ये आहे आणि या क्लासेसच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांना ज्या येणाऱ्या अडचणी आहेत, शिक्षकांचे जे काही समजून सांगण्याचे जे मेथड्स आहेत ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. त्यामुळे आपण आजचा काय नेमका टॉपिक आहे ते शिक्षकांकडून जाणून घेऊया आणि हा आजचा जो लर्निंगचा सेशन आहे त्याला सुरुवात करूया. नमस्कार दोस्तों, तो छुट्टियों में आप सभी लोग घर पर हैं. कोरोना वायरस के कारण आजकल अभी सारी छुट्टियां आपकी घर पर बीत रही हूँ. तो जैसा कि आपको बताया पहले कि ये छुट्टियों का सेशन बेकार ना जाए, घर पर आप लोग सुरक्षित रहें, आराम से रहें और हम लोग पढ़ाई भी करते रहें. तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम का काफ़ी बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, काफ़ी बड़ा टॉपिक है फिजिक्स का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो बेसिकली मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पूरा पोर्शन है फिजिक्स का ये कितने चैप्टर्स में कवर होता है. तो सबसे पहला पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ स्टेशनरी चार्ज. जब भी चार्ज स्टेशनरी रहता है सो इफेक्ट्स ऑफ स्टेशनरी चार्ज. और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मूविंग चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों ने चैप्टर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है दोनों क्लास 11th और क्लास 12th में कवर किया जाता है. आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बेसिकली अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो इफेक्ट्स ऑफ स्टेशनरी चार्ज, आप लोग क्या क्या जानते हो स्टेशनरी चार्ज के बारे में, क्या प्रोड्यूस करता है स्टेशनरी चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो स्टेशनरी चार्ज जब प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो स्टेशनरी चार्ज produces electric field. तो ये जो स्टेशनरी चार्ज के जो फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रिक, प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होते हैं. और इधर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मूविंग चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स. तो मूविंग चार्ज के इफेक्ट्स होते हैं बोथ चलता हुआ चार्ज यानी मूविंग चार्ज दोनों टाइप के फील्ड प्रोड्यूस करता है, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. साथ ही साथ ये बात ध्यान रखने लायक है कि मूविंग चार्ज ही एक्सपीरियंस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को, स्टेशनरी चार्ज ना तो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को ना ही एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग पहला पोर्शन कवर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी कई पोर्शन होते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिवाइड किया गया है इन पोर्शन को. सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स.
सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, इसी में कैपेसिटेंस इसी में कवर होता है, लेकिन हम लोग उसको थर्ड पार्ट के रूप में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज होता क्या है, क्या होता है चार्ज। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सो लाइक मास चार्ज इज ऑल्सो ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अराइजेस। सो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज रीजन होता है, जिस तरह से मास के कारण ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक इसी तरह से चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी इफेक्ट है चार्ज के। सो चार्ज चार्ज आपको बताया तो फंडामेंटल चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अराइजेस। सो हाउ डू वी हाउ चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, चार्ज नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बेसिकली चार्ज होता है क्वार्क्स पे, 9 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, लेकिन उनकी स्टडी अभी हमारे स्कोप से बाहर है, आप लोग पढ़ेंगे क्वार्क्स के बारे में आगे, लेकिन इस समय हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो चार्ज कैरी करते हैं, वो हैं बेसिकली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल चार्ज पार्टिकल्स हैं, मींस जो टूटते नहीं हैं, और छोटे पार्टिकल्स में ये चार्ज को इफेक्टिवली अपने ऊपर कैरी करते हैं। सो किसी भी एटम में आप लोगों को मालूम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में। हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने के साथ में साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। तो ज़्यादातर चार्ज के जो चार्ज की जो एक्सचेंज होता है चार्ज का, उसमें इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि प्रोटॉन बंधा रहता है न्यूक्लियस में, तो जनरली प्रोटॉन जो होता है चार्ज के बारे में, तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर करते हैं। सो चार्ज पार्टिकल्स टू चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, सो वन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड इन प्रोटॉन इट इज इक्वल 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज है, सेम चार्ज है, चार्ज का नेचर इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, एटम नेट चार्ज जीरो। सो फिर चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं हम लोग, जब भी हम किसी एटम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं चार्ज उनको दिखने लगता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर आइसोलेट कर लिया हमने तो उस एटम पर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज जितना लेकर जाता है ठीक उतना ही अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। सो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जांपल है कि जब भी हम लोग कोई भी नायलॉन का क्लॉथ आपस में रब करते हैं या किसी भी ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ से, तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, साइज कम होता है, और काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में एग्जिस्ट करते हैं। सो बीइंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑब्जेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में चले जाते हैं उस ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। साथ ही ये बात बहुत ध्यान रखने लायक है कि चार्ज अकेला कभी भी एग्जिस्ट करता नहीं है, चार्ज को अगर एग्जिस्ट करना है तो
मास वहां पर जरूर प्रेजेंट होगा। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। सो अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज जो होता है प्रोड्यूस होता है। सो अगर किसी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो सीधी सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले गए होंगे, तो उसका मास के साथ में क्या इफेक्ट हुआ होगा, उसका मास जो है वो स्लाइटली बढ़ गया होगा। और जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन गए सो उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका मास जो है वो स्लाइटली कम होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट पढ़ते हैं। सो सपोज करो हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए ऑब्जेक्ट बी। सो सपोज करो कि एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, सो ऑब्जेक्ट ए पर चार्ज हो जाएगा प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ऑब्जेक्ट बी पर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान देने लायक है, तो पहले ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में इलेक्ट्रॉन्स गए, ऑब्जेक्ट ए पे चार्ज पॉजिटिव हुआ और इस पर बी पर जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो बी पर चार्ज कैसा आ गया है, नेगेटिव चार्ज। दोनों के चार्जेस का अगर आप टोटल करोगे तो टोटल की सम कितना आएगा, जीरो आएगा, मीन्स चार्ज कंजर्व हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक है कि बी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका मास जो है वो स्लाइटली बढ़ गया है, ए का मास जो है वो स्लाइटली कम हो गया है। और अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि चार्ज यहाँ पर क्वांटाइज हुआ है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट। सपोज करो हमें नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर रहे हैं, कैसे गिनते हैं, एक दो तीन, कभी भी 1.5%, 2.5%, 3.5%, सुने आप। ठीक इसी तरह से चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सो 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2 × इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 3 × इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो इन सभी बातों को अगर हम समराइज करें तो तीन इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। सबसे पहले चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑलवेज बट जनरल। सेकेंड, चार्ज ऑब्जेक्ट्स डू चेंज देयर मासेस, उनके मासेस में थोड़ा सा फर्क पड़ता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का मास ट्रांसफर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस नहीं किया, तो चार्ज जो होता है कंजर्व होता है, मींस वी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड एनी चार्ज, ओनली वी कैन ओनली ट्रांसफर इट। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज क्वांटाइज्ड means transferred, gets transferred in fixed amount, gets transferred in fixed amount. So यहाँ पर हमने देखा कि ये जो charge है fixed amount में transfer हो रहा है और वो जो amount है वो कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹। So charge exists in the integral multiple of (1.6 × 10⁻¹⁹) coulomb.
सीधी बात की कंटिन्यूएशन पर एक प्रॉब्लम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट कैलकुलेट चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ वन मोल of electrons. So हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक वन मोल इलेक्ट्रॉन अगर हमने ट्रांसफर किए तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा. सो वन मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10^23. मोल इज जस्ट अ नंबर एवोगैड्रो नंबर एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब नेगेटिव. सो क्यू इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. हियर क्यू इज सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर चार्ज. So Q equals 6.02 into 10^23 multiplied by 1.6 into 10^-19 coulomb.